मियां वार्ड में क्या विकास कार्य हुए? वार्ड में आज तक तो ना तो नाले में कचरा भरा हुआ है, सड़कें ऐसी कि बच्चे खेल नहीं सकते हैं, साइकिलें बच्चे छोटी साइकिल नहीं चला सकते हैं, और वार्ड में गंदगी इतनी है कि इसका जवाब नहीं। जो बड़ी गली थी वो छोटी छोटी गली में डिवाइड हो गई है। दूसरी बात, हमारे वार्ड में कोई देखने वाला नहीं है। सड़क के लिए मैंने ऑनलाइन भी शिकायत कर रखी है महेंद्र मित्तल के नाम से, आज तक मेरे खाली ऊपर से फ़ोन आया कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, वो आज तक ही नहीं आए हमारे पास। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें रखते हैं? आने वाले पार्षद से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा इस वार्ड का काम कराएगा हम उसको बोल देंगे। क्या नाम है आपको? महेंद्र मित्तल। विकास कार्य जिस गति से होना चाहिए उस गति से विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। क्या कमियां है वार्ड में? वार्ड में जो वार्ड वासियों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति बिल्कुल नहीं हो पाई है, और इस पर किसी भी जो पूर्व प्रतिनिधि थे उन्होंने इस ओर झांक कर भी नहीं देखा है। क्या कमियां बताई जा रही है वार्ड में, जैसे नाली है या क्या? एक वार्डवासी सिर्फ एक स्वच्छता के अनुसार काम करना चाहता है, उसकी कुल मूलभूत जो आवश्यकता है नल बिजली पानी, इससे अधिक कुछ सोच ही नहीं सकता है, और वही आवश्यकताएं इस वार्ड की पूरी नहीं हो पाई है। शासकीय योजनाओं का लाभ वगैरह मिला आप लोगों को, किसी को या वार्ड वासियों को किसी को भी? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को अभी तक। 5 सालों में कभी आपके पास जनप्रतिनिधि मिलने आए हैं? नहीं, स्थानीय स्तर के कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आए। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद है आपकी? बस वार्ड का चहुंओर विकास, सभी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, भेदभाव नहीं करते हुए, पूरा हर एक मोहल्ले गली में शासन के नीतियों के अनुरूप कार्य करें। क्या नाम है आपका? संजय चोरसिया। क्या विकास कार्य वार्ड में हुए हैं, क्या कमियां हैं? शहर का सबसे घना वार्ड है, और घने वार्ड के अंदर विकास कार्य बहुत होने चाहिए, वो नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है। और क्या समस्याएं ज़्यादातर वार्ड में देखने को मिलती है? अतिक्रमण की समस्या सबसे ज़्यादा है। नाली सड़क बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? सड़क तो सीमेंट की बना रखी है, तो रोज धूल खा रहे हैं हम, हर रोज धूल खाने में आ रही है, सीमेंट खाने में आ रही है। डामर रोड होने चाहिए थे, बाजार में पूरे बाजार में डामर रोड होने चाहिए। हमारे बाजार देखो सीमेंट का धूला उड़ता रहता, घरों में सीमेंट जाती रहती। नालियों की साफ सफाई की क्या व्यवस्था? नाली की सफाई तो वार्ड दरोगा का समय वगैरह, नल समय पर आते हैं और बहुत पानी आता है। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाले पार्षद से तो बहुत कुछ उम्मीदें रहती है, पार्षद कौन आएगा क्या करेगा जब बताएंगे उसको हम कि भाई ये विकास काम करो। पूर्व में जो पार्षद रहे हैं 5 सालों में कभी आप लोगों से मिलने आए जनप्रतिनिधि के रूप में? बस दुआ सलाम होती है रोज, बाकी ऐसा कभी क्या शिकायत है इसका कोई डिटेल नहीं है। रमेश जायसवाल, भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में, और मैं अपने मुद्दे यही हैं कि नाली का निर्माण कराना और सड़क बनवाना, जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं जो शासन ने दे रखी हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ मैं वार्ड के सभी सदस्यों को देना चाहूँगी, जिससे मैं एक जगह गई जनसंपर्क में, तो वो खारेकुआ का इलाका आता है, तो वहाँ पर कई लोग बहुत परेशान हैं, रोड नहीं बने हैं, नालियाँ हैं, मच्छर हैं, मच्छर पनप रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं कई लोग, मतलब उनका वहाँ पे मैं निर्माण कार्य, मतलब पार्षद बनने के बाद निर्माण कार्य कराना की इच्छुक हूँ वहाँ पर। जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता अपने किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने रख रही है? जनता की समस्याएँ नल की समस्या है, और रोड की समस्या है, और नालियों की समस्याएँ हैं, बिजली की समस्या है, और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, कचरे की समस्या है कि कचरों का ढेर लगा हुआ है, और शासन की कई योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी योजनाओं को लाभ दिलाना चाहती हूँ मैं, और उनको कई लोगों को योजनाओं के बारे में मालूम भी नहीं है कि क्या क्या योजना है, तो उनको इस योजनाओं से अवगत कराना चाहती हूँ मैं, और उसका लाभ दिलाना चाहती हूँ। मैं नीतू नरेला, वार्ड नंबर 16 से, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहला तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्या आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी का एक इंटरव्यू लेने का सोचा, यह आपकी भगवंसा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैंने वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय लड़ने का निश्चय इसलिए किया है, जब कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को जो कि अशिक्षित उम्मीदवार है, ये एक ऐसा वार्ड है मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो कि देश के सबसे पहले प्रथम शिक्षा मंत्री थे और शिक्षक बहुत बड़े शिक्षक थे, उस वार्ड का ये दुर्भाग है कि पिछले 15 सालों से यहाँ पर कांग्रेस ऐसे अशिक्षित उम्मीदवारों को दे रही है टिकट, वो चुन के चले जाते हैं, फिर वो आते ही नहीं वार्ड के अंदर, वो वार्ड का पिछड़ रहा है, यहाँ पर वार्ड में इतनी गंदगी, इतनी समस्या, नाली की भर रही है, फिर इस बार लोगों ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया तो लोगों ने सोचा कि अब हमारे को इस जगह पर बदलाव करना चाहिए, इसलिए लोगों के आग्रह पे मैं इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मैंने निश्चय किया है। क्या विकास कार्य की योजना है आपकी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच आए? मेरे सबसे पहला तो यहाँ पर जो मैं वार्डों में भ्रमण किया और लोगों की जो समस्या सुनी है, तो नाली की सबसे बड़ी भयंकर समस्या, गंदगी की सबसे ज़्यादा समस्या, राशन कार्ड यहाँ की समस्या, दूसरा राशन कार्ड की जो दुकान है वो बहुत दूर है, लोग बाग अपना दिन भर समय खराब करते हैं, एक दिन छुट्टी रख के वो जाते हैं, वो वहाँ पर जब राशन नहीं मिलता फिर वापस आ जाते हैं और उनका दिन भर हो जाता। इसी तरह से आयुष्मान की योजना का लाभ नहीं मिल पाया, जबकि ये वार्ड सबसे गरीब वार्ड है और यहाँ पर वो लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए, पर आयुष्मान का नहीं हुआ, नाली हुई, खरंजा हुआ, हेडपम्प की हुई, पानी समय पे नहीं आता है, पानी ऊपर तक के जो है वो चढ़ता नहीं है, ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका हम शीघ्र अगर हमारे को लोगों ने हमारे को यहाँ से अपना वो दिया तो मैं निश्चित ही यहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। जैसा कि आप कांग्रेस के काफ़ी अच्छे ये कांग्रेस से मेरी बगावत करने की नीति मैंने जनता की आवाज़ के ऊपर करा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले 3 सालों से यहाँ पर एक अशिक्षित उम्मीदवारों को यहाँ से उतारा, जबकि योग्य उम्मीदवार बहुत हैं यहाँ पर, उन्होंने इस चीज़ की अनदेखी करी, तो जनता ने कहा कि नहीं अब नहीं, अब दूसरा इंसान योग्य प्रत्याशी जो कि वार्ड का विकास कर सके ऐसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे, इसलिए मुझे वार्ड के वासियों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे खड़ा करा है। टिकट वितरण की प्रक्रिया के दौरान क्या आप लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया? बिल्कुल, मैंने पूरा जो कांग्रेस के नियम अनुसार शर्तें थी उनके अनुसार मैंने आवेदन भी दिया है, मेरा नाम पैनल पे भी गया था पर गुटबाजी की वजह से। गुटबाजी तो वही लोग हैं जो कि बागी पहला खुद बागी हुए थे और कांग्रेस को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आज वही कांग्रेस को टिकट देने के दावेदार बने हुए हैं और आज कांग्रेस के खैरख्वाह बने हुए हैं, जो कल तक के कांग्रेस की बगावत कर रहे थे आज वही कांग्रेस के खैरख्वाह बने हुए हैं। वो तो आप सबको मालूम है कि जो निर्दलीय लड़े थे चुनाव और कांग्रेस से बगावत करी थी और कांग्रेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं वो लोग, सब मालूम है आप लोगों को। अभी आपका चुनावी दौरा चल रहा है, जगह जगह आप भ्रमण कर रहे हैं, वार्ड में कई गलियों में आप लोगों ने जो है भ्रमण किया है, किन प्रकार की समस्याएं आपके सामने हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से नाली की समस्या इस वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है, नाली के अंदर जैसे गंदा पानी रुक जाता है, समय पर सफाई नहीं होती है, दूसरा ये है कि नालियों के अंदर जो सड़क का निर्माण टूट फूट हो रही है, गलियां पूरी टूटी हुई हैं, पानी समय पे नहीं आता है, ये छोटी मोटी समस्याएं, आंगनवाड़ी नहीं है यहाँ पर, ऐसी छोटी मोटी आयुष्मान कार्ड नहीं है, ये बहुत सारी छोटी मोटी समस्याएं, इतना वो भी एक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम हारून रशीद कुरैशी, पूर्व पार्षद नीमच। प्रत्याशी का नाम? रुखसाना हारून रशीद, वार्ड नंबर 16।